क्या फ्रेंड आपके माइंड में कोई ऐसी लड़की है जिसको आप बहुत ही ज्यादा लाइक करते हो, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, पर आपके माइंड में एक ही बात रहती है कि नहीं यार इसे मैं नहीं पटा सकता या फिर ये मुझसे कभी पटेगी नहीं। तो फ्रेंड अगर आपके माइंड में ये बात चल रही है तो आज की इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा ना तो आप उसे पटा लोगे। जी हाँ आप उसे पटा लोगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। और इतने फ्रेंड प्लीज हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। तो ज्यादा टाइम पास किया ना, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी लड़की को दिल दे बैठते हैं, देन हम उससे प्यार करने लग जाते हैं और हम उसे रोज छुप छुप के देखने लग जाते हैं। वो कभी आती है हमारे सामने से, कभी नहीं आती है। जब वो आती है तब हमारा दिल इतना तेज धड़कता है कि हम उसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। और सोचना थोड़ो दोस्तों, आप उसे इम्प्रेस भी नहीं कर पाते हो। और इसी तरीके से दोस्तों आपका टाइम बीतते जाता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, बहुत से लोगों को तो साल भर लग जाते हैं, बस वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाते और ना ही पटा पाते हैं। तो फ्रेंड अब हम जानते हैं इसमें करना क्या है। तो यार मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उसके पीछे भागोगे तो लड़की को तो वही लगेगा कि पूरे इस भीड़ में ये भी लड़का वैसा ही है, तो आप कॉमन कैसे लोगोगे उसे। तो कुछ ऐसा करो ना जो लड़की आपके पीछे भागे। अब देखो फ्रेंड अधिकतर देखो क्या होता है कि अगर वो आपके पीछे भागेगी तो उसका बहुत बड़ा रीजन चाहिए होता है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उसको रिलेटिव से अगर उसे कुछ बनना हो तो आप वैसा कुछ डिस्कस होकर निकलो वहां से कि उसके कानों तक आवाज जाए। बस आपको ये बात ध्यान रखना कि आप उसके पीछे नहीं, वो आपके पीछे भागे, उसके लिए करना क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड। मान लीजिए वो स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसको कोई बुक की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट जरूरी है और आपको पता है कि वो बुक उसको ये चाहिए, तो आप उसकी उस चीज़ में हेल्प करो। मतलब कि आप उसके सामने से होकर गुजरो और कहो यार तुझे पता है ये बुक मेरे पर रखी हुई है यार, तो क्या मैं इसको पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड को दूँ या नहीं दूँ, वो मांग रहा था मुझसे, तो क्या करना चाहिए। या फिर अगर उसको कोई ड्रेसिंग सेंस का कुछ अच्छा ज़्यादा हो तो उसके बाद से आप बोल सकते हो तुझे पता है यार मैंने ड्रेसिंग सेंस का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो देन मेरे को ना एक जॉब ऑफर हो रही है यार कि ड्रेसिंग सेंस मतलब उसमें अच्छा चाहिए होता है, उसमें चॉइस अच्छी होनी चाहिए, तो अगर कोई ऐसा मिले तो बताइए मेरे को यार। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर उसके कानों में आवाज जाएगी ना तो वो आपके पीछे भाग के आएगी। मतलब कि आसान सी भाषा में ये कहूं आपको, तो कुछ ऐसा करो जो उसकी जरूरत से मिलता जुलता हो, तो ऑटोमेटिकली ही आपके पीछे वो पड़ जाएगी। तो जब वो पढ़ेगी तो आपसे बात जरूर करेगी, पूछेगी अगर आप उसके बारे में जानते हो तो थोड़ा मेरी हेल्प करवा दो, और आप उससे बोल देना हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा। बस आपको ध्यान रखना कि एकदम से आपको उसकी हेल्प नहीं करनी है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन रुक जाना है कि उसको लगे कि हाँ आप भी उसको लेके सीरियस नहीं हो, आप उसको पटाने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तभी लड़की आपसे इंप्रेस होगी और वो आपसे पटेगी। तो जब आपको लगे ऐसा धीरे धीरे कि अभी मेरे करीब आने लग गई है, अभी उसे उस चीज़ की ज़्यादा जरूरत हो गई है, तब आप उसे प्रपोज करो या फिर अपने दिल की बात बताओ, वो मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको भी जरूरत है आपकी। तो फ्रेंड इस तरीके से भी आप उसको अपने पीछे लगवा सकते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमें फ्रेंड किसी भी लड़की को अपने पीछे पड़वाने से या फिर उसको इम्प्रेस करने से पहले ना हमें एक चीज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्या? उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना, या आसान सी भाषा में कहा जाए तो उससे मिलना, कि मतलब कुछ ऐसा करना जो आपको नोटिस करे कि हाँ उस नाम के बंदे को मैं जानती हूँ या फिर मैंने उसको कहीं देखा है। तो कुछ इस तरह का आपको हरकत करना है फ्रेंड। तो अगर आप क्लास में हो तो क्लास में तो बिल्कुल भी आप टोकने की गलती ना करें, क्योंकि उस भीड़ में बहुत लोग रहते हैं जहाँ पे आपकी बात नहीं हो पाएगी और आप उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कुछ लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं तो वो कहीं भी उसको रुक के फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि ये भी सही बात नहीं है। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको फॉलो ही करना है या फिर उसको मुलाकात ही करनी है तो कुछ ऐसे जगह पे करो जहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील करे वो, जहाँ पे भीड़ कम हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को देख सको, तो आपका काम बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फ्रेंड जाहिर सी बात है यार, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर ही लोगे जो उसकी कोई फ्रेंड हो या उसके कोई रिलेटिव हो या फिर उसको कोई थोड़ा हेलो हाई कर रखा हो जो आपकी उससे बातचीत करवा सके, थोड़ी जान पहचान या थोड़ा मिलवा सके, नॉर्मली हाई हेलो तो करवा ही सके। तो फ्रेंड ये भी हो सकता है, तो जब वो आपको देखेगी तब आपसे वो बात भी करेगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते कि मैंने तो आपको कहीं देखा है, तब आप उसे बता सकते हो कि हाँ मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना था, या फिर ऐसा कुछ भी नॉर्मल वर्ड। पर ध्यान रहे फर्स्ट मीटिंग में ही आपको फ्लर्ट नहीं करनी है। और अब एक बात जो कि मेरे काफी फ्रेंडों ने कमेंट किया है मेरे को कि भाई वो मेरे को अभी भी पलट के नहीं देखती, मैं ऐसा क्या करूं जो वो मेरे में इंटरेस्टेड हो, जो वो मेरे वो पीछे भागे। तो देखिए फ्रेंड अक्सर ये सब केसों में ऐसा होता है कि आपने उसे इंप्रेस करने की कोशिश की, आपने उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं हो रही है। तो क्या आपने ये पता लगाया कि उसके पास ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है? ऐसे भी तो सोचता है कि वो किसी और को लाइक करती है, इसके कारण वो आपको भाव देना नहीं चाहती है, वो चाहती है ऐसे कि आपका दिल ना टूटे, इसलिए वो शायद आपको भाव नहीं दे रही है। और अगर ऐसा है तो फ्रेंड जाहिर सी बात है आप उसको फॉलो नहीं करिए, क्योंकि उस बीच में आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और उस लड़की को लगेगा कि ये लड़का सही नहीं है, ये काफी चेपू टाइप का लड़का है और इससे आप ही की पर्सनैलिटी खराब होगी। तो मेरी तो राय यही होगी फ्रेंड आप उसको छोड़े और किसी और से अपना दिल लगाए। मानता हूँ ये मुश्किल होता है कि एक ही बार प्यार होता है, वो बातें फ्रेंड पिक्चरों में अच्छी लगती है, रियल लाइफों में तो देखो यार आप भी जानते हो सच्चा प्यार अगर आपको होगा तो जाहिर सी बात है वो आपके पास जरूर आएगा या फिर आप उसके पास जाओगे। तो फ्रेंड इसीलिए अपने माइंड में ये बात डाल लो।
सबसे आखिरी टिप मेरी ये होगी फ्रेंड, जो कि आपके माइंड में एक बात जाननी है कि अगर कोई भी लड़की आपके पीछे भागे तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो लड़की इंप्रेस हो आपसे। अब आपने एक कहावत तो सुनी रखी होगी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो फ्रेंड आप एक बात बताओ मेरे को, नाकामयाब के पीछे किसी औरत का आपने हाथ सुना है? नहीं ना। तो इसीलिए फ्रेंड अगर आप कामयाब होते हो, अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो बंदे हो, या फिर आपके जॉब अच्छी है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो कोई भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा। देखो फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमसे कोई ज्यादा तेज होता है पढ़ने लिखने में, या फिर ज्यादा हमसे स्मार्ट होता है, या फिर ज्यादा हमसे अच्छा काम करने वाला होता है, हमें बॉस भी लेक्चर देता है कि देखो उससे कुछ सीखो, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी तरीके से काम करता है, तो उसका एग्जाम्पल हमें दिया जाता है और हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार इस बंदे जैसा मेरे को भी बनना है। या फिर कोई स्टूडेंट ज्यादा अच्छा होता है तो क्लास में उसकी तारीफ होती है कि इसके जैसे पढ़ोगे तो इसके जैसे आगे बढ़ोगे, तो उससे हर कोई इंप्रेस हो जाती है फ्रेंड। तो अगर इस तरीके से अगर आप बनते हो ना, तो कोई भी लड़की आपके पीछे भागने को तैयार होगी, यार मैं गारंटी देता हूं 100%। फ्रेंड अधिकतर केसों में क्या होता है ना कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, तो जब हम उससे बात करने आते हैं तो हमारी बातचीत हो जाती है, काफी अच्छे तब रिलेशन चलता है। फिर हमें बाई चांस लड़की ने ये पूछ लेती है कि अच्छा आप करते क्या हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? हम थोड़ा लो क्लास है पढ़ने में, देन हम हैंडसम नहीं, हम जॉब भी करते तो वहां भी अपने डांट सुनते रहते हैं, तो क्यों इंप्रेस होगी आपसे यार? तो इसलिए अपने माइंड में बात डाल लो कि बस सक्सेस बनो, अपने आप ही आपके पीछे वो आएगी। तो वीडियो में देखने में अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनी तरफ से आप एक फ्रेंड लाइक जरूर करना, और हो सके तो फ्रेंड ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। फ्रेंड आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं अगली बार प्यारे के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।